दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें। आज आपको मैं थोड़ा सा जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसके बारे में बताता हूं। और हमें बड़ा दुख होता है जब कोई पेशेंट आता है, और क्योंकि इसके इलाज की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि हमने प्राकृतिक चिकित्साओं के प्रचार को पीछे छोड़ दिया है। हम प्राकृतिक चिकित्साओं से पीछे हट गए हैं। हमने सिर्फ एलोपैथी, एक अंग्रेजी दवाइयों के सिस्टम को पकड़ लिया है। जब हम किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, मान लो घर में बल्ब जलता है, तो अर्थ और करंट दो जब मिलते हैं तब लाइट चलती है। क्योंकि हम एक ही चीज को पकड़ेंगे, एक ही तार को लगाते रहेंगे, तो कभी बल्ब नहीं जगेगा, कभी लाइट नहीं जगेगी, कभी प्रकाश नहीं होगा। तो मेन क्या होता है कि हमने एक चीज को पकड़ रखा है, इसलिए हम अपने औलाद से, अपने बच्चों से हाथ धो बैठते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? एक जेनेटिक बीमारी है जो माता पिता से आती है। आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि एक परिवार के अंदर माता पिता को बीमारी है, आगे उसके तीन बच्चे मान लो हो गए, दो लड़के हो गए, एक लड़की हो। अब क्या होता क्या है कि दो लड़कों को, क्योंकि ये बीमारी लड़कों के ऊपर, जेंट्स के ऊपर ज़्यादा अटैक करती है, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को इस प्रकार से बनाया है कि ये आप सीधी भाषा में समझिए कि जेंट्स के अंदर एक इंजन फिट किया हुआ है, लेडीज के अंदर दो इंजन फिट किए हुए हैं। तो आपको समझ आ जाएगी बात, मतलब जेंट्स के अंदर एक पावर काम करती है, लेडीज के अंदर डबल पावर काम करती है, मतलब दो इंजन लगे हुए हैं। तो होता क्या है कि जब परिवार के अंदर तीन बच्चे हुए, दो लड़के हुए, लड़कों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का अटैक हो गया, और वो बच्चे धीरे 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 क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, एंड में बेड पे आ जाते हैं, आखिर में वो बहुत कम आयु में समाप्त हो जाती है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। और लड़की जो होती है डेथ उसकी भी हो जाती है, लेकिन उसके अंदर मैंने बताया कि डबल इंजन होता है, इसलिए एक इंजन उसको पूरी लाइफ के लिए चलाए रखता है। जैसे ही वो लड़की जवान होती है, बड़ी होती है, तो उसकी शादी हो जाती है। अब प्रॉब्लम उसके अंदर भी है, लेकिन माँ बाप को कहते हैं कि हमारी लड़की तो ठीक है, उसको तो कुछ भी नहीं है, उसकी शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो जैसे ही शादी होती है, पुरुष हो सकता है जेनेटिक ना हो, स्त्री जब जेनेटिक होती है तब दोनों की, जब उस लड़की की शादी होती है तो उसके पैदा होने वाले बच्चे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सबको ही ये प्रॉब्लम होती है। अब मेन बात क्या है जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये कि हम प्राकृतिक जो हम चिकित्साएं हैं, जो हमारी चिकित्साएं हैं, जिनके अंदर सब रोगों का निदान है, प्राकृतिक जो चिकित्साएं है, जो योग और नेचुरोपैथी है और सिद्धा है। मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाया था कि योग मीन योगियों के पास, नेचुरोपैथी मीन हीलर्स के पास, सिद्धा मीन सिद्धों के पास सब रोगों का इलाज है, लेकिन हम उनसे वंचित हैं। हमें पता ही नहीं कि सिद्ध कौन है और कहाँ है, हमें पता ही नहीं कि योगी कौन है और कहाँ है, हमें पता ही नहीं कि हीलर कौन है और कहाँ है, ये पता ही नहीं। ना सरकारों को पता है, ना लोगों को पता है, और सरकारों को अगर पता भी हो तो वो इनसे किनारा करती है, क्योंकि इनसे मिलता कुछ नहीं है। इनसे लोगों को बहुत कुछ मिलता है, इनसे रोगियों को बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सरकार जो हमारे ये राजनेता है, लीडर, इनको कुछ नहीं मिलता। क्यों? इनको तो जो है पैसों के अलावा कोई मतलब नहीं है, इनको तो अपनी सुविधाओं के अलावा कोई मतलब नहीं है, इनको तो अपनी सुख सुविधाएं चाहिए, लेकिन सुख सुविधाएं मिलने के बाद भी दुखी है।
एक राजनेता को इतनी सुख सुविधाएं मिलती है, लेकिन वो मैंने कभी आज तक किसी राजनेता को मैंने सुखी देखा ही नहीं। राजनेता कभी सुखी हो ही नहीं सकता। जो सुखी होने वाले राजनेता थे वो चले गए। ये तो लालची जाहिल लोग हैं। खैर, ये जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप तलाश कीजिए, पहले तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपके बच्चे के अंदर जब ऐसा कोई सिम्टम नजर आए, चाहे जेनेटिक प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है, प्रकृति कुछ जीवों को, कुछ ऐसी श्रृंखलाओं को मिटा करके कुछ नई श्रृंखलाएं जब तैयार करती है तो वो उस पीढ़ी के उस वंश को जो है समाप्त करती है। प्रकृति के अंदर ये नियम है। लेकिन अगर हम चाहें, अगर मनुष्य चाहे तो उसको रोक भी सकता है। मनुष्य के पास पावर है, एक सिद्ध के पास पावर है, एक योगी के पास पावर है, तो वो इस चीज इस मिटने वाली श्रृंखला को रोक भी सकता है, इस सीरीज को वो रोक सकता है कि ये वंश मिटे ना चले। तो उसके लिए क्या होता है, पहला काम तो आपको ये करना है कि जब भी आपके बच्चे में ऐसा सिम्टम नजर आए, इसके सिम्टम क्या होते हैं कि बच्चा 24 घंटे में दो या तीन बार चलता चलता गिरता है, आपको पता नहीं लगता, लेकिन वो या गिरता है या वो ठोकर खाता है। अगर ठोकर खाता है, ठोकर तो आप समझते हो कि किसी चीज में पैर अटका नहीं, लेकिन फिर भी वो ठोकर जैसा लगता है, किसी में किसी चीज में पैर अटका नहीं उसका। जैसे कई बार ठोकर क्या होता है, जैसे हम जा रहे हैं, फर्श प्लेन है, आगे थोड़ी ईंट बाहर को निकली है, उसमें हमारा पैर लग जाता है, उसको ठोकर बोलते हैं। तो जगह प्लेन है लेकिन उसका पैर लड़खड़ाता है, मतलब वो ठोकर जैसा लगता है कि ठोकर खाई। कई बार वो गिरता है, कई बार संभल जाता है, क्योंकि उस समय उसमें ऊर्जा होती है भरपूर, तो वो संभल जाता है। तो ऐसी अवस्था होते ही अगर आप, जैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा करते, हमारे से मिल लें, तो मैं कहता हूं आपके बच्चे का 100% इलाज हो सकता है। दूसरा, पहली स्टेज तो ये, दूसरी स्टेज ये कि आपका बच्चा 24 घंटे में 3 से 4 बार चलता चलता गिर जाता है, तो आपको गौर करना है उस अवस्था में। ये है सेकंड स्टेज। पहली स्टेज ठोकर खाता है, दूसरी स्टेज वो 24 घंटे में 2 या 3 बार गिरता है, तो आपको तुरंत संपर्क करना चाहिए, ना कि किसी दवाई के चक्कर में पड़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे दवाइयों के चक्कर में पड़ करके उन्होंने टाइम निकाल दिया और वो बच्चे अब मौत के किनारे पर, कई तो अटके पड़े हैं, कई मौत के ग्रास में जा चुके हैं और कई और चले जाएंगे। क्योंकि ये क्लिप बनाने का मतलब कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग इसका लाभ ले सकें, क्योंकि इससे बड़ा कोई पुण्य, इससे बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। तीसरी अवस्था ये होती है कि आपके बच्चा जब चलता है तो वो एडी उठाना शुरू कर देता है। तीसरी स्टेज तक इलाज हो सकता है। पहली स्टेज कि प्लेन जगह पर बच्चा आपका ठोकर जैसा महसूस करता है। दूसरी अवस्था कि आपका बच्चा 24 घंटे में 3 से 4 बार गिरना शुरू हो गया, दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था ये कि आपका बच्चे की गिरना भी शुरू हो गया, ठोकर भी लगने शुरू हो गई और वो एडी उठा करके चलना भी शुरू हो गया। इन तीन स्टेजों तक आपके बच्चे के इलाज की पॉसिबिलिटी नेचुरोपैथी में है, जिसमें रेकी के रेजेस के माध्यम से इलाज हो सकता है, वो एक मैंने बताया है, लेकिन रेकी के लिए भी कोई सिद्ध पुरुष का होना जरूरी है, खाना पूर्ति वाला नहीं होना चाहिए कोई, क्योंकि रेकी बहुत लोग सीखे होते हैं, खाना पूर्ति वाला नहीं, सिद्ध पुरुष होना चाहिए पहला। दूसरा, जो नेचुरोपैथी हम इलाज देते हैं, इसके माध्यम से जो हम प्राकृतिक चिकित्सा देते हैं, न्यूरो हीलिंग जो देते हैं, तो उसमें
जिन जिन मसल्स के ऊपर ये अटैक होता है, जिन जिन मसलों के ऊपर बीमारी अटैक करती है, प्रॉब्लम अटैक करती है, तो उनका निदान हो सकता है। तो ये बातें ध्यान रखने की, मेरा कहने का, समझाने का, बताने का अभिप्राय सिर्फ यही कि हमारे पास जो रोगी आते हैं, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, वो तब आते हैं जब उनका एंड किनारे लग चुका है, जब वो एंड वाली अवस्था में जा चुके हैं, यानी कि चौथी पांचवी आखिरी स्टेज में जब वो पहुंच चुके होते हैं तब हमारे पास आते हैं। लेकिन आना कब चाहिए? जब आपको प्रॉब्लम लगी, इन बीमारियों का कोई भी, किसी भी पूरी दुनिया के अंदर किसी भी साइंस में कोई इलाज नहीं है, इनकी कोई दवाई नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कोई दवाई नहीं है, अगर कोई हो तो मुझे बता सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, उसका इलाज सिर्फ योगी के पास और कुछ अनुभवी हीलर्स के पास और तीसरा सिद्धा के पास है। हमारे पास नेचुरोपैथी में है, आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको मैंने अवस्थाएं बता दी, उस अवस्था में आप लेकर के आइए ताकि आपके बच्चे ठीक हो सके। प्रकृति बड़ी बलवान है, प्रकृति के अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, प्रकृति किसी को मारना नहीं चाहती है, प्रकृति व्यक्ति को, मनुष्य जीवन को खिलाना चाहती है, मनुष्य को ही नहीं प्रकृति प्रत्येक जीवन को खिलता हुआ देखना चाहती है, यही उसका एक आनंद है। तो उसमें कोई रोग नाम की चीज हो ही नहीं सकती, अगर कोई रोग है तो उसके कारण हम खुद हैं, हमने कहां मिस्टेक किया, हमने कहां गलती की, उसको अगर हम सुधार लें तो ये जीवन आनंद में ही है, इसमें आनंद के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अपने जीवन का ध्यान रखिए, अपने जीवन के लिए कोशिश करते रहिए, हारिए मत, हम नहीं हारते, हम कब हारते हैं, जब आप किसी का, मान लो किसी का जब गड़ा काट के और आप हमारे पास लेके आओ तो उसका क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब गड़ा कट गया तो मौत हो गई, मौत तो होगी तो हो गई, मौत तो शाश्वत है, वो तो होगी होगी, वो तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले पहले उसका इलाज संभव है। तो कभी भी आपको ऐसे सिम्टम लगे तो आप बच्चे को किसी भी दवाई के लिए किस डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑपरेशन को कराने की जरूरत नहीं, आप सीधे हमारे पास आइए, बहुत थोड़े समय में हम उस बच्चे को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं और वो बच्चा भी अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों के पास पहुँचे और ऐसे बच्चे जिनके परिवार में, जिनके घर में हैं, वो इसका लाभ ले सके। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।